बुलेटिन में सबसे पहले बात परमाणु खतरे की। पांचवी बार शपथ लेने के बाद पुतिन ने पश्चिम को क्या दिया है विस्फोटक संदेश और रूस के खिलाफ फ्रांस की बड़ी साजिश क्या है। विश्व युद्ध की आशंका से जुड़ी खबरों के लिए देखिए न्यूक्लियर टेंशन टॉप 9। रूस और नाटो में मौजूदा तनाव की स्थिति से न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडरा रहा है। दिमित्री मेदवेदेव ने पश्चिम को चेतावनी देते हुए कहा है कि यूक्रेन में सेना भेजने का मतलब रूस के साथ सीधा युद्ध है। वॉशिंगटन, पेरिस और लंदन को जवाब रूस की बैलिस्टिक मिसाइलें देंगी। रूस ने F-16 को लेकर भी पश्चिम को चेताया है। क्रेमलिन ने साफ शब्दों में कहा है कि यूक्रेन में F-16 फ्लीट को न्यूक्लियर कैपेबल मानेगा रूस। नाटो के उकसावे के जवाब में ठोस कदम उठाना पड़ सकता है। क्रेमलिन ने न्यूक्लियर पलटवार से इनकार नहीं किया है। यूक्रेन से अटैक में ब्रिटेन और फ्रांस के मिसाइलों के इस्तेमाल पर रूस ने दोनों को खुली धमकी दे दी है। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने पर भड़के रूस ने ब्रिटेन और फ्रांस के राजदूतों को तलब कर कहा है कि ऐसी गलती होने पर रूस के पहले टारगेट पर ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैन्य बेस होंगे। रूस से न्यूक्लियर थ्रेट के बावजूद फ्रांस के गुप्त रूप से यूक्रेन में सेना भेजे जाने का खुलासा हुआ है। पेंटागन के पूर्व अधिकारी स्टीफन बैन के मुताबिक स्लोवियांस्क में मदद के लिए फ्रांस की तीसरी इन्फेंट्री रेजिमेंट के 100 सैनिक भेजे गए हैं। जल्द ही 1500 और जवान यूक्रेन में होंगे। नाटो से सीधी जंग को तैयार, रूस ने अपनी सेना को टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से वॉर एक्सरसाइज शुरू करने के निर्देश दिए हैं। यूक्रेन बॉर्डर के पास जहां दूसरी ओर नाटो की सेनाएं ड्रिल में जुटी होंगी, वहीं रूस की सेना परमाणु अभ्यास करेगी। नाटो देशों की सीमा के करीब रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के ड्रिल से पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सैन्य अभ्यास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तैनाती पर फोकस होगा, जो 1 किलोटन से 100 किलोटन क्षमता वाले हथियार होंगे। रूस की वॉर स्ट्रेटेजी पर डरावनी रिपोर्ट सामने आई है। न्यूक मैप के मुताबिक पुतिन ने पश्चिमी देशों में न्यूक्लियर तबाही का खाका तैयार कर लिया है। कब, कैसे और कहां अटैक करना है, ये सब तय हो चुका है। अगर रूस भड़का तो दुनिया में विनाश तय है। रूस ने खतरे को देखते हुए पूरे यूरोप में 300 न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइलों की तैनाती का प्लान है। द इकोनॉमिस्ट के हवाले से खबर है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत को पूरा करने की जिम्मेदारी ब्रिटेन और फ्रांस पर है, जबकि अमेरिकी वेपन नाटो के कंट्रोल में रहेंगे। पांचवी बार रूस के राष्ट्रपति बने पुतिन ने शपथ के बाद पश्चिमी देशों को दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम से अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन अपनी सीमा और संप्रभुता से समझौता नहीं कर सकते। बाहरी ताकतों से रक्षा के साथ साथ पुतिन ने रूस को वर्ल्ड पावर बनाने का संकल्प दिया। विजय दिवस से पहले रूस ने कैसे मचाया यूक्रेन में विध्वंस और ईस्टर्न फ्रंट पर युद्ध लड़ रहे रूस ने यूक्रेन के किन शहरों पर किया कब्जे का दावा, विध्वंसक जंग से जुड़ी खबरों के लिए देखिए रूस यूक्रेन टॉप 9। विजय दिवस से पहले रूस ने अर्थक्वेक बम से हमला कर यूक्रेन के कुपियांस और मोना चिनीवका को दहला दिया। 5-1500 के अटैक से करीब 250 मीटर के रेडियस से भूकंप जैसी स्थिति पैदा हो गई और कई इमारतें जमींदोज हो गई। रूस ने इसे क्रीमिया अटैक का बदला बताया है। 9 मई से पहले रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का नया चैप्टर खोल दिया है। डोनेस में खेरसोन तक यूक्रेन के कई सैन्य पोजीशन पर एक साथ हमले किए गए। धुएं की आड़ में रूसी सैनिक के अचानक हमले से यूक्रेनी सेना उबर नहीं पाई। यूक्रेन को बड़ा नुकसान होने का दावा है। मॉस्को में जब पुतिन का शपथ ग्रहण चल रहा था, रशियन पैराट्रूपर्स खार्किव में यूक्रेनी सेना पर भीषण हमले कर रही थी। ड्रोन से रेकी के बाद हिमार्स मिसाइलों से यूक्रेन के सैन्य ट्रेनिंग कैंप पर पिन पॉइंट अटैक हुआ। इन हमलों में 40 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों के हताहत होने की खबर है। क्रीमिया में रूसी लैंडिंग बोर्ड पर मैगुआरा सी ड्रोन से हमले का वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रूसी फायरिंग से बचते हुए यूक्रेनी ड्रोन ने टारगेट को हिट किया। इस हमले में रूसी ब्लैक सी फ्लीट को बड़ा झटका लगा है। क्रीमिया के नजदीक एक यूक्रेनी सी ड्रोन को निशाना बनाए जाने के बाद उसके मलबे से बड़ा खुलासा हुआ है। रूसी नेवी के मुताबिक ब्लैक सी फ्लीट पर फ्रैंकिन सैम मिसाइल से लैस ड्रोन ने हमले का प्लान बनाया था, लेकिन इससे पहले ही उसे रूसी हेलीकॉप्टर ने नष्ट कर दिया। रूसी ब्लैक सी फ्लीट को तबाह करने के लिए यूक्रेन ने कई सी ड्रोन बोट तैयार किए थे। क्रीमिया की ओर बढ़ रहे ज्यादातर ड्रोन बोट को रूसी वायुसेना ने तबाह कर दिया। रूस ने इन हमलों के लिए ब्रिटेन की मदद से तैयार यूक्रेन की ग्रुप 13 यूनिट को जिम्मेदार माना है। क्रीमिया में रूस के लैंडिंग बोर्ड पर हमले का बदला रूस ने ओडेसा पर भीषण प्रहार कर लिया। रूसी सेना ने इस्कंदर मिसाइल हमला कर नाटो के मिसाइलों से भरे एक गोदाम को तबाह कर दिया। ओडेसा से विदेशी सेना के ठिकाने रूसी टारगेट पर हैं। विक्ट्री डे से पहले रूसी रक्षा मंत्रालय ने ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूसी सेना को बढ़त का दावा किया है। आर्टिलरी अटैक का वीडियो जारी कर रूस ने डोनेस के सोलोवायोवो और खार्किव के कोतल्यारोवका पर नियंत्रण का दावा किया है।
रूस पर हमले के लिए नाटो देशों की मदद से यूक्रेन ने बड़ी तैयारी की है। रशियन इंटेलिजेंस के हवाले से आरटी ने मॉस्को पर एक साथ 50 ड्रोन से हमला करने और क्रीमिया ब्रिज को निशाना बनाए जाने की आशंका जताई है। हिमार्स मिसाइल से भी अटैक की तैयारी है। दक्षिणी लेबनान को लेकर क्यों आक्रामक है, लगातार जो जानकारियां मिल रही हैं वो रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे। लेकिन कहां हिजबुल्ला के निशाने पर रहा है इसराइल का सैन्य बेस, इसराइल के लिए क्यों जरूरी है राफा पर कब्जा, और कहां आईडीएफ पर लगे नरसंहार के आरोप। वॉर फ्रंट की विस्फोटक खबरों के लिए देखिए महायुद्ध टॉप 9। इसराइल से सटे दक्षिण लेबनान के सीमावर्ती क्षेत्रों में आक्रामक जंग छिड़ी हुई है। हिजबुल्ला के ठिकानों को टारगेट कर आईडीएफ के विमानों ने जोरदार स्ट्राइक किया। केफर शुबा, मार्कबा, शेबा और हरडोव में हमलों में हिजबुल्ला के कई सैन्य ढांचे तबाह हो गए। ईरानी फरमान के बाद इजरायली कब्जे वाले लोगान हाइट्स में हिजबुल्ला ने जोरदार शेलिंग की। शिबा फार्म में इजरायली सैन्य बेस को टारगेट कर आर्टिलरी, एटीजीएम और मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए गए। इजरायली सेना को भारी नुकसान होने का दावा किया गया है। आईडीएफ की लगातार स्ट्राइक के बावजूद हिजबुल्ला के हौसले पस्त नहीं हुए। उत्तरी इसराइल के मार्गेलियोत में फिर रॉकेट से हमले हुए। हिजबुल्ला ने इजरायली पावर स्टेशन पर बारूदी बौछार की। पूरे इलाके में बिजली संकट पैदा होने का खतरा है। राफा में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत होते ही उत्तरी गाजा में हमास लड़ाके फिर एक्टिव हो गए। उत्तरी गाजा से हमास ने इसराइल के स्तेदरोत शहर पर 6 रॉकेट दागे, जिसमें से 4 शहर में गिरे, जबकि 2 को डिफेंस टीम ने हवा में ही तबाह कर दिया। राफा में हमास के संदिग्ध ठिकानों पर इजरायल की सेना विध्वंसक बमबारी कर रही है। रिहायशी इलाकों के बीचों बीच अब तक 50 से ज्यादा ठिकानों पर हमले हो चुके हैं। फिलिस्तीनी मीडिया ने इन हमलों में कई आम नागरिकों की मौत का दावा किया है। अमेरिका के विरोध के बावजूद राफा में इजरायली सेना का मिशन क्लीन जारी है। फिलिस्तीनी मीडिया ने MLRS अटैक का वीडियो भी जारी कर राफा में नरसंहार के आरोप लगाए। बीती रात IDF के शुरुआती हमलों में ही भारी तबाही का दावा किया गया। राफा में हमास के सीनियर लीडर्स के छिपे होने की आशंका में IDF ने पिन पॉइंट अटैक किया। पूर्वी क्षेत्र में एयर टू सरफेस मिसाइल से एक बिल्डिंग पूरी तरह जमींदोज हो गई। IDF ने राफा में ग्राउंड ऑपरेशन और तेज करने की चेतावनी दी है। दनादन फायरिंग, टैंकों के शेलिंग, ये तस्वीरें राफा क्रॉसिंग की। इसराइल की सेना क्रॉसिंग को अंडर कंट्रोल करना चाहती है। इसी दौरान कई मोर्चों पर हमास के साथ संघर्ष जारी है। IDF के मुताबिक राफा को हमास अपना मजबूत ठिकाना बना चुका है। राफा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने से पहले इसराइल के लड़ाकू विमानों ने बीती रात पूर्वी क्षेत्र में जोरदार स्ट्राइक किया। ताबड़तोड़ बमबारी के बाद सुबह होते ही IDF ने राफा के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कब्जे का दावा भी कर दिया। IDF के निशाने पर हमास के टनल और बंकर रहे।